हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, ये वीडियो एक रिमाइंडर वीडियो होगी SOL अंडर ग्रेजुएट एडमिशन से रिगार्डिंग। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है, बिना कोई लेट फीस के साथ। तो दोस्तों, इसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियोस बना रखी हैं, तो उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर हम शॉर्ट में बात करें SOL की, तो देखिए SOL की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ गए हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद फ्रंट पेज पर ही आपको दो नोटिफिकेशन मिलेंगी। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन विदाउट लेट फीस 31 जुलाई, और 31 अगस्त तक पे कर सकते हैं आप 200 रुपये की लेट फीस के साथ। ठीक है, तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसमें अंदर आपका BA प्रोग्राम होता है, BCom प्रोग्राम होता है और BCom ऑनर्स होता है। इसके अलावा BA ऑनर्स के अंदर इंग्लिश भी होता है और पॉलिटिकल साइंस। तो ये 5 कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं SOL में। डिग्री DU की ही मिलती है, DU SOL की। तो रेगुलर और डिग्री और इसकी SOL की डिग्री में इतना कुछ फ़र्क होता नहीं है। यदि आप इसके साथ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी करते रहें, प्रोफेशनल कोर्सेज भी, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करते रहें, तो ये डिग्री आपकी इक्विवेलेंट कहलाई जाएगी। और जो मटेरियल आप पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे, उसको अगर ध्यान ला के पढ़ते हैं, तो SOL की डिग्री की कोई ऐसी बात नहीं है कि वैल्यू नहीं होती। अगर आप जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसकी आपको अच्छी नॉलेज होगी, तो यहाँ पर SOL की डिग्री की भी और डिस्टेंस की डिग्री की भी काफ़ी वैल्यूज़ होती हैं। तो दोस्तों, जल्दी से आप फॉर्म फिल कर लीजिए यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पर कोर्सेज की एलिजिबिलिटी वगैरह वो सब चीज़ें मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दिया है, उस वीडियोस को भी आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये रिमाइंडर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।